रोटी खाना हर हिंदुस्तानी का प्राइमरी गोल है, सबको रोटी खानी होती है, चाहे वो तंदूरी रोटी हो, चाहे हाथ की रोटी हो, तवे की रोटी हो, मगर आटा गूंदना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। सब सोचते हैं बना बनाया मिल जाए तो रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लेडीज अपना पेट काट लेती है, मतलब लिटरली काटना नहीं, बोलेंगे अच्छा आज मैं एक रोटी से ही काम चलाती हूँ, है ना, क्योंकि आटा नहीं गूंदना। तो मैं आपको दो बहुत आसान तरीके से आटा गूंदना सिखाती हूँ, नो मेस एंड वेरी क्विक, बहुत फटाफट बनता है। तो चले आटा गूंदते हैं मेरे स्टाइल से, दो तरीके से। मैं आज आपको दो तरीके से, बहुत आसान तरीके से आटा गूंदना सिखाऊंगी। ये खास कर उन लोगों के लिए है जो आटा गूंदने से कतराते हैं, और या फिर जो बहुत पहली दफा गूंद रहे हैं, या जो बच्चे हैं बाहर रहते हैं और आटा गूंदना नहीं आता, वो बाजार से पीटा ब्रेड लाके खाते रहते हैं, रोटी बना सकते हैं, आटा गूंदना नहीं आता। तो मैं इसमें ये मशीन में बताऊंगी, ये वंडर शेफ की मशीन है। ड्रिवन, तो इसे मैं दो कप मेजर करके मैं आटा डाल रही हूँ, और इसमें एक कप पानी मैं डालूंगी। मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी क्योंकि मेरे को फीकी रोटी थोड़ी टेस्ट नहीं आता रोटी में, तो आधा चम्मच नमक और इसमें एक कप पानी, है ना, और एक कप पानी डालूंगी। बंद करके आप इसको लगा के, बहुत बढ़िया आटा गूंदता है, इसको देखते हैं 30 सेकेंड, 1 मिनट में आटा गूंद जाता है असल में इसमें, और बहुत बढ़िया गूंदता है। तो ये सब मिल रहा है अभी बीच वाले होल में से मैंने किया है, और मेरा ख्याल 30 सेकेंड्स ही हुए हैं और आटा ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे हो गया है ना। तो यस, इसमें बॉल फॉर्म हो गया है, आपको शायद दिख रहा हो, ये देखिए एक बॉल फॉर्म हो गया है, और हाथ भी इसमें गंदे नहीं होते हैं ना। तो मैं निकालती हूँ इसको, थोड़ा कफ केयरफुल रहना है क्योंकि इसके ब्लेड बहुत ज्यादा शार्प है। ये देखिए आपका आटा गूंद गया है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा सूखा आटा लेके ताकि ये हाथ में ना चिपके, और तेल भी लगा के कर सकते हैं, बट ये देखिए आटा बिल्कुल, आप इसको थोड़ी देर रख देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंद जाएगा, मगर अभी भी बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदा है, ये देखिए है, तो हमारा आटा ये गूंद गया है। अब मैं आपको दूसरी तरीके से आटा गूंदना सिखाती हूँ, मैं इसमें डालती हूँ अभी, और मैं एक बर्तन लेती हूँ, उसमें मैं इसमें भी मैं आपको सिखाती हूँ आटा। तो इसमें मैं एक कप, दो कप, आपने जितना गूंदा गूंदे, मैं घर के लिए आटा गूंद रही हूँ तो मैं 4 कप आटा गूंद रही हूँ, है ना, ठीक है। और 4 कप आटे में मैं नमक डालती हूँ अपने हिसाब से, आपने डालना है तो डाल दे, और उसके बाद मैं 2 कप से
चार कप आटा था, मैं ये एक कप पानी मैं एक साथ डाल दूंगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये दूसरे कप में थोड़ा सा छोड़ दें पानी, आप इतना सा छोड़ दें, जैसे हम लोग चाय के लिए चाय भरते हैं कप में तो हम थोड़ा सा खाली रखते हैं, तो उतनी आप ये साथ में डाल दें और आप देखेंगे कि आटा गूंदना कितना आसान है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये खराब हो जाएगा, गीला हो जाएगा या बहुत सख्त हो जाएगा। सख्त होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसमें थोड़ा पानी डाल के ऊपर रखेंगे तो आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना। तो आप देखना ये आटा कितना अच्छा गूंदेगा। रोटी भी किसी ने जो बनाई है, कितनी बढ़िया चीज बनाई है। जो लोग रोटी खाते हैं उनको दिन में एक दफा रोटी ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, है ना। तो मेरे एक फ्रेंड्स हैं और उनको तो हम लोग कभी भी यूरोप टूर में या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हैं तो उनको उनका पहला क्वेश्चन होता था, वहां रोटी मिलेगी, वहां रोटी मिलेगी। तो वो बहुत एडिक्टेड है रोटी के लिए। तो और ये देखो ये ठीक है ना, हमने देखो एक ही दफा पानी डाला था और हम उसी पानी में आटा गूंद रहे हैं। अब मैं इसको मैंने दूसरे बर्तन में पानी वो आटा नहीं लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सबके पास परात नहीं होती तो लोग सोचते हैं कि परात के बिना आटा नहीं गूंद सकता। मैं तो क्या बोलते हैं, परात हो चाहे, अब आप थोड़ा सा पानी लेके इसमें थोड़ा सा सूखा आटा है इसको आप कर लें, है ना। ये देखिए और बस देखिए कितना बड़ा बढ़िया आटा गूंद रहा है ना। इसको आपको थोड़ी देर ऐसे रख देंगे इसको करने के बाद, और 10-15 मिनट के बाद आप इसको यूज करेंगे तो आप इसमें रख देते हैं, है ना। लीजिए ये देखो, मैंने दो दफा पानी डाल के आटा गूंद दिया है। अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, और बट ये देखिए आप इसको 5-7 मिनट या 10 मिनट रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखो मेरा वीडियो 7 मिनट का भी नहीं हुआ और मैंने दो दफा आटा गूंद दिया। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ और 10 मिनट के बाद देखेंगे कि आटा कैसा होता है।